और इसी मधुबन में ध्रुव जी ने तप किया है। जो कठोरता तप की ब्रह्मा जी ने की, वही कठोरता मधुबन में ध्रुव जी ने की। वही पुकारा था ध्रुव जी ने, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ने इतना जबरदस्त तप का तेज प्रकट कर दिया कि भगवान को नंगे पैर दौड़ कर आना पड़ा गोद में बिठाने के। कितना कठोर तप, पार्वती जी से भी ज्यादा। वो पार्वती ने कितना कठोर तप किया था, और धरे ओ मा प्राण पति चरणा, और धरे ओ मा प्राण पति चरणा, जा सहस मूल फल खा।
रस संबत सुई खाई, तीन सहस संबत सुई खाई, पुनि पर हरे सुखाने ऊपर ना, पुनि पर हरे सुखाने ऊपर ना, ओ मही नाम भव भय पत्ते वो भी छोड़ दिए, वायु आधार मूल फल त्याग। तो जो तप कठोर शिव प्राप्ति के लिए पार्वती जी ने किया उससे बड़ा ज्यादा था। पार्वती जी आयु में ठीक थी, इनसे थोड़ी बड़ी थी, लेकिन ध्रुव तो 5 वर्ष का बालक था, वहां तो कुछ भी तो नहीं था, इनको तो कंद मूल फल साग पात भी थे, बहुत सारे समय तक यही खाती रही। इतना कठोर तप, यहां कठोर तप का परिणाम हुआ कि इसी मथुरा की भूमि पर उनको ध्रुव पद मिला। आज भी वो विराजमान है, आज भी ध्रुव तारा विराजमान। ऐसी ये मधुपुरी, ऐसी ये मधुवन की पावन भूमि।